हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम बात कर रहे हैं रेमंड लिमिटेड की क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 24 के रिजल्ट्स के अपडेट के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, रेमंड लिमिटेड एक लीडिंग अपैरल और टेक्सटाइल कंपनी है जो लाइफस्टाइल के साथ साथ रियल एस्टेट और इंजीनियरिंग बिजनेस में भी एक्टिव है। लेकिन क्या ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो के लिए एक गुड बाय है? इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रेमंड लिमिटेड की रेवेन्यू क्वार्टर 3 फाइनेंशियल 24 में 10.1% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर ₹2,386 करोड़ इंक्रीज हुआ है, जो हमारे एस्टिमेट से बिल्कुल मैच करता है। लेकिन एबिटा और एबिटा मार्जिन ने हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है। एबिटा सिर्फ 2% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर ₹358 करोड़ रहा है, जो हमारे एस्टिमेट से 10.7% कम है। एबिटा मार्जिन में भी 120 बीपीएस ईयर ऑन ईयर से 15% पर आकर डिक्रीज हुआ है। पैट में कंपनी ने 91.1% ईयर ऑन ईयर से बढ़कर ₹185 करोड़ की ग्रोथ दिखाई है, विच इज मोर देन 4.7% जो हमने एस्टिमेट किया था। कंपनी के लाइफस्टाइल बिजनेसेस, रियल एस्टेट बिजनेस और इंजीनियरिंग बिजनेस में भी कुछ चैलेंजेस आए हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कंपनी ने लाइफस्टाइल के बिजनेस में, कंपनी के टेक्सटाइल्स के सेगमेंट्स में पोस्ट दिवाली पीरियड में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से थोड़ी वीक डिमांड फेस की है। लेकिन ब्रांडेड अपैरल बिजनेस में कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन, प्रीमियमाइजेशन और कैजुअलाइजेशन की स्ट्रेटजी की हेल्प से 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। ऑल्सो गार्मेंटिंग सेगमेंट में कंपनी की ग्लोबल चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी और इंडियाज मेकिंग इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ अलाइन करके अपनी कैपेसिटी को भी एक्सपैंड किया है। रियल एस्टेट बिजनेसेस में कंपनी हैज सिक्योर्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन माही वेस्ट, साइन ईस्ट एंड बांद्रा विद अ टोटल रेवेन्यू पोटेंशियल एक्सीडिंग ₹5,000 करोड़ फ्रॉम JDA प्रोजेक्ट्स। थाने में कंपनी के 2 नए टावर्स लॉन्च किए हैं, जिसमें बुकिंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा है। Q3 FY24 में ₹428 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है, जो पिछले साल के सेम पीरियड से ज्यादा है। रेवेन्यू भी Q3 FY24 में 50% बढ़कर ₹439 करोड़ इंक्रीज हुआ है। बट इनिशियल कॉस्ट की वजह से एबिटा मार्जिन थोड़ा कम रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। वैल्यूएशन और आउटलुक के हिसाब से इंडस्ट्री का पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी से बेनिफिट लेके कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज करने के लिए वेल पोजिशन है। कंपनी का रियल एस्टेट मार्केट में प्रेजेंस भी एक ग्रोथ एवेन्यू है। अब अगर बात करें इसकी टारगेट प्राइस की, तो अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस एट अरिहंत कैपिटल, इसका करंट टारगेट प्राइस ₹2,546 हो सकता है। दिस इज बेस्ड ऑन SOTP EV/EBITDA मल्टीपल ऑफ 11.7x फॉर FY26E। तो ये था रेमंड लिमिटेड का क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 24 के रिजल्ट की अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन या सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Read all the related documents carefully before investing.